कितना उनका जो जवाब था वो कितना जिम्मेदारी थी उसमें या गैर जिम्मेदारी थी? नहीं, अब रामदेव जी से इससे ज़्यादा उम्मीद आप क्या करेंगे, क्योंकि असल में जब ईमानदारी से या किसी वैचारिकी से, किसी नागरिक बोध से जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब तो ये सारे शब्द के कोई मायने नहीं रहे। आप कुछ भी बोल के चुनाव लड़िए, कोई भी चीज़ घोषणा पत्र में रखिए, वोट मांगिए किसी और चीज़ पे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, तो पुरानी बात हो गई। फिर वो बोले कि भाई हम अच्छे दिन ले आएंगे, सबका साथ सबका विश्वास रहेगा, और काम सारे उल्टा करिए, तो उसके बाद भी राजनीति में लोग सफल हो रहे हैं। दौर ही ऐसा है। आप गर्मी शांत करने की बात करिए, बुलडोजर चला देने की बात करिए, 80-20 की बात करिए, फिर भी आप सफल हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं। दौर ही ऐसा हो गया। तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, जिसको मैं गैर राजनीतिक नहीं मानता हूँ, फिर भी वो चुनाव नहीं लड़ता, तो उसकी बयान से पलट जाने पर क्या ही आश्चर्य किया जाए। दूसरी बात, जब किसी एजेंडे के तहत कोई काम किया गया होता है तो उसका हश्र यही होता है। जब एक एजेंडा था कि सारे दक्षिणपंथी ताकतें मिल करके एक आंदोलन खड़ा करें, जिसमें लोगों को कहें कि भ्रष्टाचार दूर करना है, पूरा भारत आंदोलित हो गया, ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, सब कुछ हो गया। और आंदोलन ख़त्म होने के बाद सरकारें बदल गईं, उसका फ़ायदा कुछ को मिला जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे कुछ लोग थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, कोई राज्यपाल बन गया, कोई राज्यसभा चला गया, और जो बिजनेसमैन था उसका बिजनेस 100 गुना बढ़ गया, वो है रामदेव। तो रामदेव एक तो बाबा किस बात के लिए ये पता नहीं, योग को भी बेचा, और उसके बाद उस जो एजेंडा था कि काला धन 100 दिन में ले आएंगे, काला धन के लिए लड़ना, पेट्रोल डीजल के लिए लड़ना, उस एजेंडे का परिणित ये होनी थी कि सरकार बदल जाए। तो जब उनकी सरकार बन गई तो उन्हें मुनाफा दे रही है। जैसे अंबानी और अडानी किसी सरकार को जिताने के लिए चुनाव खर्च दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए चंदा दे रहे हैं, तो सरकार जब बनती है तो उनके हक में नीतियाँ बनाती है, उनको टेंडर देती है, उनको पैसा कमवा रही है, सरकारी चीज़ों को उनके हाथों बेच रही है। वैसे ही बाबा रामदेव ने इन्वेस्टमेंट किया था सरकार बनवाने में, जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसका मुनाफा उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें पेट्रोल डीजल से क्या मतलब, तो वो तो गुस्साएंगे ही, काम उनका चल रहा है। और जब कोविड काल में 12 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई, एजुकेशन बर्बाद हो गई, तो एक व्यक्ति जो अडानी जिसका नाम है, 256 गुना उसका टर्नओवर बढ़ रहा था, एक ही देश में दोनों काम एक साथ हो रहा था, तो वैसे ही टर्नओवर इनका भी बढ़ा है रामदेव का, तो वो क्यों पेट्रोल की बात करेंगे? ये कह रहे हैं कि आप लोग काम ज़्यादा कीजिए, मैं इस उम्र में भी 4 बजे उठता हूँ सुबह, रात को 10 बजे सोता हूँ, आप लोग काम बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, क्योंकि सरकार अगर दाम नहीं बढ़ाएगी तो टैक्स नहीं मिलेगा, सड़कें कैसे बनेंगी, एयरफोर्स कैसे मजबूत होगी, सेना कैसे मजबूत होगी? एक मेरे सवाल का जवाब दें रामदेव। रामदेव के पहले या आज से पहले, जबकि ये बात कर रहे हैं, लोग 10 बजे सो के उठते थे, लोग काम नहीं करते थे, ये लोगों का अपमान कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते थे इस देश के लोग क्या? अच्छा, दूसरी बात, क्या इस देश में पहले सड़कें नहीं बनी, पहले अनाज नहीं बंटा था, पहले पुल नहीं बनते थे, पहले जो है विकास नहीं होता था? अच्छा, जब तुम ये बात कहते थे कि हम आएंगे तो काला धन ले आएंगे, हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम घट जाएगा, महंगाई घट जाएगी, तब तुमको पता नहीं था कि देश के विकास के लिए भी पैसा चाहिए होता है? यानी या तो तुमको पता नहीं था, तुम लोग ना समझ लोग थे, तुम लोग देश को धोखा दिए, या तो तुम्हें पता था तब झूठ बोले तुम, दो में से तो एक ही वजह होगी। ये जो तर्क गढ़ा जा रहा है, आपको कोई भी पहले लूटे तो तर्क ये गढ़ा जाता था कि कानून व्यवस्था खराब है, कानून अच्छा होना चाहिए, ये गड़बड़ है, कानून व्यवस्था कहाँ है। अब लूट कोई ले रहा है तो आपके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि तुम उस रास्ते गए क्यों जहाँ लुटाई होती है, तुम्हारा दोष है, जाने वाले की गलती है। अब सारा तर्क बदल दिया गया। ये सारा तर्क, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा कि देश को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अब भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अब देश को पैसे की जरूरत है तो पहले देश कैसे चलता था? वो लोग जो कहते थे कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई, पेट्रोल सिलेंडर लेकर के बैठ जाते थे, साइकिल चला जाते थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि विकास के लिए पैसा चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है इस देश की जनता के साथ। कौन सा राष्ट्र, जिसे एक राष्ट्रवाद की बात होती है देश में कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हो, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, तो वो राष्ट्रवाद बीजेपी लोगों को समझाने में सफल हो जाती है, वो राष्ट्रवाद लोग समझ जाते हैं, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उनके खिलाफ मैदान में उतरती हैं वो उस राष्ट्रवाद को पकड़ नहीं पा रही हैं, या कहां पर लोगों को तक पहुंच नहीं पा रही हैं। नहीं, मामला केवल अकेले राष्ट्रवाद का नहीं है, उनके पास एक कम्बो स्कीम है जिसमें राष्ट्र के नाम पर नफरत भी है तो धर्म के नाम पर भी नफरत है, जाति के नाम पर भी नफरत है। एक एलीट अपर कास्ट अपर क्लास मेल हिंदू हेजमनी वाला एक कॉन्सेप्ट उनके पास है। तो उस पूरे कम्बो में
दुश्मन अलग अलग क्रिएट किया जाता है। एक दुश्मन मुसलमान होगा, एक दुश्मन आरक्षण होगा, एक दुश्मन सेकुलर लोग होंगे, एक दुश्मन संविधान होगा, एक दुश्मन लोकतांत्रिक संस्थाएं होंगी, एक दुश्मन जो है सोचने समझने वाले तार्किक विवेक वाले विश्वविद्यालय होंगे। इन सब पर टारगेट किया जाएगा। तो जो इसके प्रतिपक्ष में खड़ा है उनको मोबिलाइज करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक देश में अशिक्षित बेकार भीड़ इसलिए बनाई जाती है कि ताकि उसको बरगलाया जाए और अपने पक्ष में खड़ा किया जाए। तो शिक्षा बर्बाद की गई, रोजगार बर्बाद किया गया, तो एक भीड़ तैयार की गई। और भीड़ का चरित्र यही होता है कि कोई भी नफरती काम, नकारात्मक काम भीड़ से कराना चाहेंगे तो वो पल भर का काम है, और उस भीड़ के बीच मोहब्बत की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे तो मुश्किल काम है। हमारा काम सामाजिक न्याय का काम, संविधान का काम जोड़ने का है, वो मुश्किल काम होता है। लड़ाना काम मुश्किल का काम, हिंसा हत्या का काम हमेशा आसान होता है, इसलिए वो सफल हैं। और जो दूसरा एक और पक्ष है जिसमें हमें अपनी आलोचना करनी चाहिए कि अगर तोड़ने का काम ईमानदारी और मेहनत से किया जा रहा है तो जोड़ने का काम उससे कई गुना ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत की अपेक्षा रखता है। हम मेहनत करना छोड़ दिए हैं, हम लोगों के बीच जाना छोड़ दिए हैं, हमने अपनी भाषा ऐसी बना ली है कि हम लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे। तो कुछ गलती हमारी है जो हमें सुधारनी है, और जिस ताकत से लड़ना है उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तब हम उनको नाकामयाब। अभी लगातार ट्रेंड चल रहा है कि बाबा रामदेव जी का जो प्रोडक्ट है पतंजलि के या जो भी उनसे रिलेटेड है उसका बहिष्कार किया जाए। अब वो पहले बाबा रामदेव पहले वाले नहीं रहे। नहीं, अब ये सब ट्रेंड वेंड से कुछ होता नहीं। ये IT सेल के खलियार लोग होते हैं जिनको ट्रेंड नफरत के लिए कराना हो, किसी चीज़ के कराना हो, बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता। किसी घटना में कोई मुद्दा ज़रूर बन जाता है, कोई चर्चा हाईलाइट ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका कोई बहुत बुनियादी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कमा लिया रामदेव ने जितना कमाना था, वो TV पर कार्यक्रम बेच करके, योग बेच करके, प्रोडक्ट बेच करके, स्वदेशी बेच करके। अरे भाई, अगर पैसा पूंजी अगर बुरा है, शोषित कमजोर वंचित विरोधी है, तो पूंजी चाहे अंबानी अडानी ले जाए, चाहे रामदेव ले जाए, पूंजी तो लूट के ले जा रही है। तो ऐसे रामदेव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।